लिए यह कहते हुए सर्वशक्तिमान वाह शाबाश शाबाश और बड़ा करो और बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो और मुंह करो चलो खुश नया जीवन आज तो बधाई देंगे धान देखो इधर है देखिए गाइस इधर में हेलो गाइज हेलो एवरीवन कैसे हैं उम्मीद है ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज हम आए हैं संत युवा उपासनालय यहाँ मुरु का संत जो CNI चर्च है यहाँ आए हुए हैं और आज यहाँ पे कंफर्मेशन होने वाला है जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं बहुत सुंदर होगा। अभी यहीं से क्या स्वागत होने वाला है यही जगह से है ना यहीं पर आएँगे ऋषभ स्वामी और यहीं स्वागत किया जाएगा और अंदर का भी हम शूट करेंगे जो हम लोग क्वायर बोला गया है तो वहाँ से भी शूट करेंगे हम लोग और आप लोग बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम लोग स्टॉल देखेंगे यहाँ का। अभी तो कोई आया नहीं है ना अभी कोई आया नहीं है फिलहाल हम लोग स्टॉल देखते हैं यहाँ पे किस टाइप का लगा हुआ है ढेर सारा ये रहा। ये स्टॉल सब है आज के कंफर्मेशन के दिन में ये स्टॉल सब लगा हुआ है सुंदर सुंदर माला हार सब यहाँ पे और लगेगा है ना अभी तो इतना ही आया हुआ है फिलहाल यहाँ पे और ज़्यादा आने वाला है अभी तो 9 भी नहीं बजा है तो अभी 10 बजते बजते और सारा भीड़ हो गया है। तो देख सकते हैं एक से सुंदर सुंदर माला सब और गिफ्ट वगैरह देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर है बाइबल वगैरह फूल वगैरह ये रहा बड़ा छाता है ना बड़ा छाता है यहाँ पे स्टॉल सब ले सकते हैं यहाँ खासकर यहाँ लड़कियों के लिए स्टॉल बहुत सुंदर दिख रहा है। जब बाहर निकलेंगे यहाँ तो बहुत सारा भीड़ हो जाएगा यहाँ फिलहाल अभी खाली में ही दिखा दे रहे हैं बाद में हमको मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक है चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं सेटअप करते हैं अंदर है ना। तो चलेगा जी सब के भी लेते हैं ये आगे साइड का है ना चर्च के आगे साइड के भी लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बैठेंगे ये साइड में अभी तो चेयर लगा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि आदमी बैठेगा ना और अभी लगेगा तो उस टाइम दिखाएंगे लास्ट टाइम में जब ख़त्म हो जाएगा उस टाइम दिखाएंगे
फिलहाल तो अभी कोई नहीं है इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आप रसोई भी दिखाते हैं ना, किस टाइप का है। इधर पकवान बनने वाला है, आज हमारे मेहमानों के लिए यहाँ पकवान बनाया जा रहा है। ये रहा रसोई में, यहाँ बहुत सारे मेहमान के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है डिश, सुंदर सुंदर छिलका रोटी चटनी सा पूरा बन रहा है। सही बात है, सही बात है। मेरे वीडियो बने रही है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब दिखेगा है ना, हर चीज छोटा मोटा दिखेगा, एकदम खुशी से भरा हुआ। चलो मत फिलहाल अंदर चलते हैं, हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं फिलहाल। यहाँ का देखिए इस टाइप का है, यहाँ पे थोड़ा देर में पूरा ऑडियंस भरा हो जाएगा। इधर आगे आगे में कंफर्मेशन लेने वाले सब बैठेंगे, सेलर की और ये साइड लड़की, तो इधर सर में कोयर बैठेंगे, इधर में कोयर और मेरा सीट है उधर। यही लोग है, सिंगर लोग है, तो यही लोग गाने वाली है ना, गाने वाली यही लोग लीड में हम लोग चलेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग सेटअप करते रहते हैं। तो चल सेटअप हो चुका है, अब प्रोग्राम शुरू होने के बारे में। तो ठीक है, तो चलिए गाइस इधर हम लोग नए कन्फर्मेशन लेने वाले इधर लाइन लगाए हुए हैं, अब लोग बने रहिए दिखाते हैं है ना, यहीं स्वागत होने वाला है। ये ढेर सारा कोई लाइन लगाए हुए हैं। ये हमारे पुरोहित यहाँ सीनाई चर्च के, यही लोग यही दो पुरोहित हमारे यहाँ नए सीखने वाले हैं, उन ये सबको सिखाए है ना। तो बाद में क्वेश्चन आंसर होगा है ना, तो जवाब यही लोग देंगे किस तरह से सिखाया गया था। तो चलिए हम लोग आगे तरफ से दिखाते हैं है ना, आगे तरफ से दिखाते हैं। यही जगह से स्वागत किया जाएगा हमारे जी सब स्वामी, रांची से आने वाले हैं, थोड़ा ही देर में हम लोग पहुंचेंगे यहाँ, ये साइड से आएंगे, ये साइड से, और ये रहा, थोड़ा देर में पहुंचने वाले हैं, अब लोग बने रहे दिखाते हैं।
चलिए गाइस, यहाँ पे हमारे ऋषभ कंपनी का स्वागत किया जा रहा है। जितने भी मुरू पेरिस के जितने भी मंडली से आए हुए सभी को यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। जो कन्फर्मेशन ले रहे हैं वो लोग भी, और जो गार्जियन आए हुए हैं वो लोग भी ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं जो पीछे हमारे सामने है, ढेर सारा भीड़ है। ऋषभ कुमार स्वामी को देखने के लिए बहुत सारे भीड़ उमड़ा गया। देखिए
हाँ उधर कभी कभार। तो चलिए गाइस हम लोग सब फैमिली हम लोग स्वागत कर लिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद हम लोग आज का विधि हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे चर्च में मिलेंगे। तो चलिए अब आगे कोशिश करेंगे, आगे जो चर्च मिलेंगे चलिए करते हैं। सब कोई जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर। चलिए गाइस हम लोग अंदर की ओर हम लोग आ चुके हैं और देखिए कैसे सब कोई लाइन लगाए हुए हैं, एकदम सुंदर लग रहा है, एकदम लाइन से बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। चलिए बाकी की ओर को भी दिखाते हैं आप लोग को। अब बाहर की ओर भी दिखाते हैं कि उधर कितना भीड़ है ना। तो चलिए दिखाते हैं बाहर की ओर भी, ये रहा अभी इतना है, थोड़ा देर में और ज्यादा भीड़ होगा यहाँ पे। अभी तो दिख रहा है खाली, तो थोड़ा देर में इतना भीड़ होगा कि यहाँ जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन जोहार है। आज पवित्र देवीकरण की विधि विधान से निवेदन है, सभी विश्वासियों से निवेदन है कि एक दूसरे को सहयोग करें बैठने में और साथ देने में और शांति बनाए रखेंगे। मोबाइल सबको स्विच ऑफ किया तो वाइब्रेशन में आप लोग कर सकते हैं कम आवाज, ताकि लोग बाधा के लोग आराधना कर हम लोग पाएंगे।
सहभागिता आप सबके साथ रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। नाम के विषय यहेजकेल नबी की पुस्तक में पाया जाता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय पद संख्या 26 से 28 तक। यहेजकेल नबी की पुस्तक 36वां अध्याय पद संख्या 26 से 28 तक। प्रभु यों कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आठवीं अध्याय उसका 11 से 17 पद तक।
आरंभ होता है, हे प्रभु यीशु जी तेरी महिमा। यूहन्ना 14:15 से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम है, कृपया बैठ जाए। मानते हुए हम सब विश्वासीगण इन बच्चों को ईश्वर के सामने उपस्थित किए हैं ताकि वे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हम सब विश्वासियों के सामने और विशेषकर ईश्वर के सामने स्वीकार करें, अंगीकार करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्ट उद्धारकर्ता और उनके जीवन के प्रभु हैं। इस मसीही विश्वास के विषय में बचपन से ही इनके माता पिता, धर्म माता पिता, अभिभावक गणों के माध्यम से इन्हें दी गई है, क्योंकि इनके बपतिस्मा के समय उनके अभिभावक गणों ने, माता पिता और प्रिय जनों ने जो प्रतिज्ञाएं इन बच्चों के बदले में स्वयं लिए थे, उन प्रतिज्ञाओं को आज हम सब की उपस्थिति में ईश्वर के सामने अपने ऊपर लेने वाले हैं। कोई कृपया प्रेम होकर बताएं। इस आज्ञा को हमने आज आराधना के आरंभ में भी सुना है, जहां यह कहा गया कि प्रभु हमारा परमेश्वर की प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। पहली आज्ञा के अनुसार ईश्वर चाहता है कि हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से, हमारे पास जो कुछ भी है, उन सब से ईश्वर से प्रेम करें, अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति जिसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे हम प्रेम करें। इसका अर्थ यह हुआ Yeah.
जसमानी सोए, सुशीला रोशन सोए, सोमाली तुर्की, एनी स्टेला मुंडू, अक्सलयानी हेम्रम, पाउलीना भुर्रा, प्यारी एंजल भुर्रा, हेमंती विश्वासी सोए, डेजी अस्टेला बुद्ध कनुना, दीप्ति भान, जयवंती नाथ, दुलारी टोकनो, अंजना खुशबू हुनी तुर्की, जसमानी ओडिया, क्रिस्टीना एपिल भोरो, अनुभा पायलट हेरेज, मोनिका दुलारी मुंडू, अनिमा भान, बहालेन पुर्ती, शशि गुड़िया, शांति तीरू, रेबेका करिश्मा मुंडू, कैथरीना बाजो, सुभाषी भुड़े, एलिसाबा पुर्ती, इभा निकिता बोद्रा, इपिल अंजेला राहिल बोद्रा, नीलम लंगड़ा, सुगी सीमा ओड़िया। तुम जो दिव्य कृत होने की इच्छा रखते हो, तुम्हारे लिए आवश्यक है कि सबसे पहले कृष्ण के प्रति अपने निष्ठा का और समस्त बुराई को त्यागने का निश्चय प्रकट करो। यीशु कृष्ण के अनुयायी बनने के लिए जो त्याग करना पड़ता है उसका तुमने भली भांति विचार कर दिया होगा। कृष्ण का कथन है, यदि कोई मनुष्य मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो वह अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। पर साथ ही कृष्ण की प्रतिज्ञा भी है कि उसकी संगति में कोई भी बोझ इतना भारी नहीं होता कि वह उठाया न जा सके। इसलिए अब मैं तुम सब प्रत्याशियों से प्रश्न पूछूंगा, तुम एक साथ उत्तर दोगे। क्या तुम यीशु क्रिस्ट को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो? क्या तुम इसलिए सब बुराई को त्यागते हो? क्या तुम प्रभु यीशु क्रिस्ट का उसकी कलीसिया की संगति में अनुसरण करोगे? तुमने क्रिस्ट के सच्चे अनुयायी होने का और सब बुराई को त्यागने का संकल्प किया है। ऐसा करने की सामर्थ पाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो विश्वास तथा आशा के साथ उससे लौ लगाए रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम परमेश्वर पिता पर जिसने तुम्हारी और सारे जगत की सृष्टि की है विश्वास करते और भरोसा रखते हो? यही मेरा विश्वास है। क्या तुम उसके पुत्र यीशु क्रिस्ट पर जिसने तुमको और समस्त मानव जाति को पाप से मुक्त किया विश्वास करके और भरोसा रखते हो? यही मेरा विश्वास है। हमारे विश्वास की सच्चाई उस समय प्रमाणित होती है जब हम उस विश्वास को प्रेम के कार्यों में व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने दैनिक जीवन को उस परमेश्वर की पिता के योग्य बनाओ जो तुम्हें तुमसे प्रेम करता है और जिसने तुमको अपने संतान बनाया, उसके पुत्र यीशु के योग्य बनाओ जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए और उसके पवित्र आत्मा के योग्य बनाओ जो तुम में निवास करता है। क्या तुम नियमित प्रार्थना और बाइबल पठन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने का और अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करोगे? प्रार्थना करेंगे यह कहते हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता बपतिस्मा में नए जन्म के स्नान से तथा पवित्र आत्मा की नवीन बनाने वाले सामर्थ से हम सब तेरे संतान तेरी कलीसिया के अंग बनाए गए हैं। अब तो इन बच्चों को उसी आत्मा की बुद्धि और समझ की युक्ति और आत्मा की
ज्ञान और सच्ची भक्ति की आत्मा की परिपूर्णता प्रदान कर वही प्रभु प्रिय पुरुष भाई की आत्मा से उन्हें को वही गुरु कह आमेन। अब तो करके आइए प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को हमें कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। आमेन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत कर आमेन। आमेन।
बल आत्मा में प्रीत है हमें आमीन। ये प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन। ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में प्रीत है आमीन आमीन।
ये प्रभु अपने प्रिय पुत्रों को खुद आत्मा में पीट कर अपने परमेश्वर हम सबको यह वर दे कि हम साथ साथ आत्मा की एकता में और प्रेम के बंधन में इस पृथ्वी पर उसकी सेवा करें और ज्योति में रहने वाले उसके संतों की सिद्ध सहभागिता प्राप्त करें। नया और मेरे पीछे हम आपके स्वागत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अब हम प्रभु भोज विधि की ओर आगे गौड़ मेरा प्रेम जागते हैं
जल्दी से आइए, प्रचार जल्दी आइए, मुरु खड़े हो जाइए अपने जगह में। पांच तक में ये खत्म करने वाली, एक दो तीन 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 गिनती बुला गए, चार और पांच। थैंक यू। आइए मरुमंडल जल्दी से पीछे आइए, जल्दी से आगे भी बैठ सकते हैं ना, आगे बैठ के सीढ़ी तक सब सुंदर बन जाए, कुछ पीछे आ जाइए, लंबे लंबे लोग अच्छा लड़के लोग पीछे आइए। कैमरा मैन लोग थोड़ा सा जाइएगा ना जल्दी से, दो तीन चार पांच छह सात 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 आठ नौ और एक नौ और एक दस। धन्यवाद। आइए दूसरा मंडल जल्दी से गौर बेटा। अच्छा जाते हैं ना, जाते हैं, जाते काम है तो उसके साथ। अच्छा ये जाते हैं, ये आपका नाम है दोस्त, बाकी लोग जिनका फोटो नहीं हुआ सभी को आ जाएगा बाहर में ना, इनके बाद सवाल पूछा गया, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो सब कोई हाथ उठाया और एक बच्चा हाथ उठाया नहीं उठाया, तो सब कोई तो स्वर्ग बोला तो सब को उठा दिए, आप लोग भी बोले गिर जाएंगे हाथ उठा दिए, और एक बच्चा बोला कि जल नहीं आ रहा नहीं उठाया, बाबू तुम क्यों नहीं उठाया, तुम स्वर्ग नहीं जाना है नहीं, तो क्यों, मम्मी बोली है
संडे स्कूल खत्म होने के बाद इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे घर आ रहे हैं। तो विशाल स्वामी की ओर से छोटा को डायसिस की ओर से आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और नव पीढ़ी के सदस्यों को बधाई हो कि आपका जीवन ऐसा ही शुद्ध और सफेद बना रहे, और हर रविवार को प्रभु की महिमा में बढ़ चढ़ करके आप लोग अपने जीवन को समर्पित कीजिए, ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके सेवा के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा प्रभु की महिमा हो, कभी से क्या विकास हो। फिर से हमारे धर्म पिता महामान्य भूषण स्वामी की ओर से, आप अपना को डायसिस की ओर से, आपके पौरोहित सहायक पौरोहित गुरु धर्म जिला के जिला अध्यक्ष और पेरिस गुरु पेरिस के पेरिस सचिव कोषाध्यक्ष महिला संगति युवा आंदोलन संडे स्कूल और हरेक विश्वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम लोग प्रार्थना से आराधना शुरू किए और प्रार्थना के द्वारा ही इस आराधना को समाप्त करेंगे और अपना प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे और सब खड़े होकर के 88,000 आप भजन को गायन पवित्र 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 में माया पवित्र पवित्र समाप्त हुआ और चलते हैं जहाँ नए दिल्ली के लोग से मिलने के लिए चलेंगे और उनके गाड़ी भी मिल रहे हैं, तो उधर भी दिखाते हैं कितना भीड़ आया हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग मिलने वाले हैं, है ना, नए दिल्ली के लोगों से बधाई भी देते हैं उन लोगों को, और चलिए हम लोग चलते हैं। ये ढेर कोई है, चलते हैं। बधाई हो, तो गाइस हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है।
फोटो शूट हो गया गाइस हम लोग का, तो हम लोग चलते हैं। कंग्रेचुलेशन भाई, ट्रिप में जरूर आना है। तो आगे भी हम लोग चलते हैं और बधाई देते हुए निकलेंगे। मैं भी लेने लगे हैं, इधर से बढ़ते हुए जाएंगे उधर। हटो, अभी ये लोग का दिन है आज। मजे तो बाइक पे, मजे बाइक पे। लड्डू की तरह टॉफी खिलाया जा रहा है यहाँ पे, देखिए। अरे खुशी। कंग्रेचुलेशन। वाह, शाबाश शाबाश। और बड़ा करो, और बड़ा करो। कंग्रेचुलेशन। बड़ा करो, बड़ा करो, और मुंह करो। बधाई हो, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। पूरा ये जाएंगे, गेम घूम जाएंगे, है ना। लड्डू नहीं हट रहा ना। इज्जत है, इज्जत है। हम लोग के लिए माला नहीं है, कल बाजार गई थी। एक फूल मिल चुका है हमको। हैप्पी न्यू बधाई भाई। अच्छा से फूल लगाओ। फूल लगाया जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं ये साइड, हम लोग मिलेंगे इधर साइड में। मिलेगा, मिलेगा टोपी, मिलेगा। अरे चलिए, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई हो काका, बधाई हो। बर्थडे केक मिलना चाहिए। कंग्रेचुलेशन, देखो दिखो बधाई हो दोस्त। ये आपको फिर फूल लगा। अरे फूल है, तुम लोग मिला। अब हम लोग इधर मिलते हैं। बधाई हो आपके। बधाई हो। आगे की ओर चलेंगे हम लोग। आगे जो इधर है, ये साइड में लगा हुआ है, हम लोग इधर चलेंगे मिलने। थोड़ा सा बधाई देंगे हम लोग इधर भी। कोई छूटना नहीं चाहिए बधाई में। आज से ये लोग डी सी वाई में शामिल हो रहे हैं, तो चलिए।
बहुत भीड़ है यहाँ पे, पटाखा भीड़ है, बधाई हो। और भाई लोग इधर साइड में हैं, यहाँ पे दिख गया है घर। चलो इतना है, कंग्रेचुलेशन हम लोग के लिए। माला लाओ तब, वाह इतना ढेर सारा इन लोग के लिए है। इतना है कंग्रेचुलेशन। अधिकार हो गया। अब अगला इधर से मिलते हैं, इधर में इधर लोग भी भाई लोग हैं। चलिए इतना है कंग्रेचुलेशन है ना। तो आधा बंडा दोस्त कब मिलेगा बताओ? 18 को। ये बंडा गोश्त चिकन गोश्त खिलाएगी। 18 तारीख को। आज चिकन, लेकिन आज केक नहीं कटाया, वही छेद है। कंग्रेचुलेशन। केक यहाँ मिलेगा, उनका बर्थडे है। और ये म्यूजिशियन यहाँ मौजूद है, खोजा जा रहा था अभी से। बधाई हो। इनके पापा उधर हैं, हाँ इनके पापा इधर हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं उस साइड में उधर। हीरोइन लोग इधर बैठी है, कुछ कुछ बातें कर रही है। जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एडी स्मिथ करके है ना। बाकी लोगों को भी शेयर करें इस चैनल को। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। का दो हमारे दोस्त हैं और ठीक है। इधर भी मत दिख रही है। तो चलिए हम इधर मिलते हैं। हम तो उल्टे तरफ मिल रहे ना, इधर तो आज कोई बात नहीं। कंग्रेचुलेशंस। इधर हम उल्टे तरफ जा रहे हैं। बधाई हो। आज तो बधाई देंगे, धन्यवाद नहीं देंगे। धन्यवाद तो इन लोग अगला दिन देंगे। कंग्रेचुलेशंस आपको भी। और इधर एक दोस्त है, चलो चलते हैं उधर। चलो इधर भी है, चलो बधाई हो। चलिए इधर साइड भी है, इधर भी है, इधर मिलते हैं हम लोग। भाई लोग इधर भी खड़ा है। चलिए बधाई हो। हाँ सर
अच्छा कैमरा नहीं धरा इसका, चलो खींचो 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 खींचो। थैंक यू भैया। देखो इधर है, देखिए गाइस इधर में फूल लगाया जा रहा है। थैंक यू फूल के लिए। बनायो नव जीवन चलिए हम लोग उस साइड चले। हाँ ओके चलेगा। ये शेड लगा हुआ है, इधर भी छाया में बहुत कोई है, तो हम लोग इधर लेते हैं। ठीक है आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं। देखिएगा सबको ही देखिए, मिल के देखिए। चलिए इधर से इज्जत करते जाएंगे। फूल लेना है इधर चलेंगे। उधर में भी है, ये साइड में है, इन सबसे मिलते हैं हम लोग। आप लोग मिल लिए अच्छा, बधाई हो नवा जीवन। तो भी मिल रहे थे तुम लोग? आगे की ओर चलेंगे, वो लेफ्ट साइड में आगे और कोई है? चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। नमस्कार पता ही होगा। ठीक है गाइस हम लोग चलते हैं, सब कोई को बधाई दे चुके हैं। बहुत सारा भीड़ है अभी, अब सबसे मिलते मिलते तो हम लोग थक चुके हैं। चलेंगे अंदर की ओर, हम लोग का कोल्ड ड्रिंक आ चुका है। हम लोग को जो कोयर थे तो उसका 200 रुपये मिला था, तो उसी का हम लोग थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ठीक है गाइज आज के लिए इतना ही है ना, आज का वीडियोग्राफी आज का कंपटीशन समाप्त हो गया है, आप लोग दिखा चुके हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट ब्लॉग से, नेक्स्ट वीडियो से दिखाएंगे आप लोगों को। और ठीक है थैंक यू, आप लोग बहुत बहुत सपोर्ट किए, इसीलिए बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है आज के लिए बाय।